दोस्तों, हम इंसानों ने बीते कुछ सौ सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट की है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो गई है, और आज हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे फ्यूचर को और भी अमेजिंग बना देंगी। दोस्तों, कोई भी लिविंग थिंग बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि लिविंग थिंग्स के लिए एनर्जी ही सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, खासकर फिनलैंड जैसे देशों में जहां सर्दियां काफ़ी लंबी और बहुत ठंडी होती हैं। ऐसे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रिक्वायरमेंट को हम केवल सैंड यानी रेत की मदद से पूरा कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? Now, the world's fully first working sand battery has been installed in Finland. It is a device which can store sustainably produced heat for months at a time and could be used to keep homes warm in winter. तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम है सैंड बैटरी। ये बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसमें एक 4x7 meter के स्टील कंटेनर में करीब 100 टन रेत डालकर उसे एनर्जी देकर गर्म किया जाता है। फिर इस हीट एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है, जिसे बाद में एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। We are heating the sand battery with clean electricity and then storing the heat there and taking up for usage later on. दोस्तों, रेत की ही तरह पानी भी हमारे धरती पर बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। फिर हम रेत का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, पानी रेत के मुकाबले देर में गर्म और देर में ठंडा होता है, और पानी को हम केवल 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म कर सकते हैं, जिसके बाद वह वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। वहीं रेत को हम 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं और इस हीट को लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। Here in Kankanpa, the heat in the sand battery is then used to help power the district heating system. It can be really expensive to provide that power in the middle of the winter. If we have some stations that are just there for a few weeks, few hours in the winter time when it's the coldest, it's going to be extremely expensive. दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना केवल हम एनर्जी की भारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी सोर्स है। दोस्तों, नेक्स्ट है अंडर वाटर ग्लव्स। दोस्तों, हम इंसानों ने जानवरों की नकल करके बहुत सी इन्वेंशंस की हैं। ऐसी ही एक इन्वेंशन ऑक्टोपस की सक्शन एबिलिटी को कॉपी करके बनाया गया है, जिसका नाम है ऑक्टो ग्लव्स। दोस्तों, इन ग्लव्स को पहनकर हम पानी के अंदर बिल्कुल किसी ऑक्टोपस की तरह किसी भी चीज़ पर ग्रिप बनाकर उसे पकड़ सकते हैं। इस ग्लव में लगे सेंसर्स की वजह से कोई भी इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। ये सेंसर्स ऑब्जेक्ट्स को सेंस करके उस पर अपनी ग्रिप टाइट या लूज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन। जैसा कि इसका नाम काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसकी प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी पिग के दिल को किसी बीमार व्यक्ति के दिल की जगह लगा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा पहले भी 2 बार किया जा चुका है, जब किसी पिग के हार्ट को सक्सेसफुली किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया हो। दोस्तों, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, और पिग के हार्ट को डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पहले पिग के हार्ट से कुछ टिश्यूज़ को अलग करके ह्यूमन जीन्स को ऐड किया जाता है, और ऐसे ही कुछ जेनेटिक एडिटिंग करके पिग के हार्ट को फाइनली ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, और अभी नहीं मगर फ्यूचर में इस तरह की ट्रांसप्लांटेशंस हमें नॉर्मली देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है AI इमेज जनरेशन। AI यानी इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्रोग्राम जो हम इंसानों की ही तरह सेल्फ डिसीजंस ले सकता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम जैसी चाहें वैसी इमेजेस AI की मदद से जनरेट करवा सकते हैं। हमें बस कुछ कमांड्स लिखने हैं कि हमें कैसी इमेज चाहिए, फिर ये AI थोड़ी देर में आपको आपके कमांड से मैच करती हुई कई सारे इमेजेस प्रोवाइड करा देगा, जिसमें से आप अपनी मनपसंद की इमेजेस को चूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसके कुछ सैम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है ब्रेन रीडिंग रोबोट्स।
दोस्तों, हम इंसानों ने जब से रोबोट्स की इन्वेंशन की है तब से रोबोट्स काफ़ी हाईटेक और यूज़फुल भी हो गए हैं। और स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉसेन के रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक आर्म और एक ब्रेन कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी डिवाइस को तैयार किया है जो टेट्राप्लेजिक पेशेंट्स, यानी ऐसे लोग जो अपनी अपर बॉडी या फिर लोअर बॉडी को मूव नहीं कर सकते, उनके ब्रेन से कमांड लेकर उनके कामों को कर देगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी डिसेबल्स और टेट्राप्लेजिक पेशेंट्स के लिए वरदान साबित होगी।